दोस्तों पिछले हफ्ते ट्यूसडे को लखनऊ में एक पिटबुल डॉग को लेके एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट था और आप में से काफ़ी लोगों ने शायद इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स पे या फिर सोशल मीडिया में पढ़ा होगा। तो हुआ यूँ कि एक पिटबुल टेरियर डॉग था जो कि घर पे ही रहता था और उसने अपनी ही मालकिन पे जो कि एक 80 साल की फ़ीमेल थी उसके ऊपर अटैक किया, उनके सर पे अटैक किया, उनके लोअर एब्डोमेन में अटैक किया और वो फीमेल जो थी 80 इयर्स ओल्ड तो उनकी ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। इस पिटबुल टेरियर के जो ओनर है अमित जी वो कहते हैं कि ये पिटबुल टेरियर पिछले 3 सालों से मेरे घर पे मेरे साथ रहा है और ये बहुत ही खुश था। इसके अलावा इनके पास एक लैब्राडोर रिट्रीवर भी है तो दोनों डॉग्स की ही वैक्सीनेशंस कंप्लीट है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इनको लाइसेंस भी मिला हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है ये और डॉग्स को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रखा हुआ था। तो इस पिटबुल के ओनर अमित से जब रिपोर्टर्स ने बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा डॉग वैसे काफ़ी ज़्यादा खुश था लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ से चिढ़ता था, वो था अगर कोई घर की घंटी बजाए। हम में से काफ़ी लोगों के पास ऐसे डॉग्स होंगे जो कि घर की घंटी सुन के काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं या फिर चिढ़ जाते हैं तो वो डॉग का नेचर होता है, वॉच डॉग कह सकते हैं आप। तो अमित जी ने बताया कि इस बिहेवियर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता था अगर कोई घर की घंटी बजाए बार बार आके और काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाता था कभी कभार। तो मे भी हो सकता है कि शायद से ये रीज़न रहा हो कि किसी ने घर की घंटी बजाई हो और उस पिटबुल को गुस्सा आ गया और उसने अपनी ही मालकिन पर अटैक कर दिया। तो अटैक के बाद उस पिटबुल टेरियर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आके पकड़ के ले गए, उस पिटबुल टेरियर का लाइसेंस कैंसिल किया गया, फिर उसके बाद उसको एक स्पेशल केज में रखा गया है अभी जहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि उसके बिहेवियर को लेके कि ऐसा क्या हुआ कि उस डॉग ने इतना एग्रेसिव होकर अटैक कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि वो जो डॉग था उसको रेगुलर एक्सरसाइज नहीं मिलती थी, मेंटल एक्सरसाइज नहीं मिलती थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे एंग्जाइटी हो गई थी उसको, जिस वजह से उसने अटैक कर दिया। फ्रेंडली नेचर एक अलग चीज़ होती है लेकिन एक डर सा होता है ना, मतलब अगर हम एक ही जगह पे बंद रहे काफ़ी टाइम तक और हमें बाहर की दुनिया देखने को ना मिले तो काफ़ी घुटन घुटन सी हो जाती है, तो एक बार गुस्सा निकल ही जाता है। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं लेकिन अमित जी कहते हैं कि मैंने अपने डॉग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से रखा था। तो असल स्टोरी क्या है इसके बारे में तो डॉग का जो ओनर है वो ही बता पाएंगे और रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं उस पिटबुल डॉग के ऊपर वो ही बता पाएंगे। लेकिन ऐसे इंसिडेंट से हम सभी लोगों को एक सीख मिलती है, हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर एक स्पेसिफिक डॉग ब्रीड के बारे में हम ना जानते हो तो उस डॉग ब्रीड को हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आजकल के टाइम में इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं मैंने देखा है जो कि शो ऑफ के लिए पिटबुल टेरियर्स डॉग लेते हैं या फिर अमेरिकन बुली या फिर अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर जैसे डॉग ब्रीड लेते हैं, केन कॉर्सो हो गए या फिर दूसरे डोगो अर्जेंटिना हो गए और भी एग्रेसिव डॉग ब्रीड्स लेते हैं शो ऑफ के लिए ताकि दिखा सके कि हाँ भाई देखो मेरे पास भी ऐसा डॉग है। पिटबुल टेरियर्स की डॉग ब्रीड काफ़ी टाइम से, मतलब ये लगा लीजिए आप करीब 20-30 सालों से बहुत ही ज़्यादा बैड रेपुटेशन गेन की है इस डॉग ब्रीड ने। लेकिन काफ़ी पहले World War I के टाइम में इस डॉग ब्रीड की रेपुटेशन एक बहुत ही अच्छी थी। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम जैसे लैब्राडोर रिट्रीवर्स को समझते हैं तो World War I के टाइम में पिटबुल टेरियर्स की भी रेपुटेशन ऐसी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस डॉग ब्रीड को एज अ नैनी डॉग बोला जाता था क्योंकि ये घर पे भी एक प्रोटेक्शन डॉग की ड्यूटी भी निभाते थे, फिर उसके बाद बच्चे जो थे, बड़े जो थे, बूढ़े जो थे, उन सभी के साथ घुल मिल के रहते थे तो इनको एक नैनी डॉग का जो है नाम दिया गया था क्योंकि ये सभी के साथ घुल मिल जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद इंसानों को भूत चढ़ा डॉग फाइटिंग का। अब डॉग फाइटिंग में जो है पिटबुल टेरियर्स को ब्रीड किया गया था रैट्स को मारने के लिए, ओल्ड इंग्लिश बुल डॉग्स और टेरियर डॉग ब्रीड्स को एक साथ क्रॉस किया गया, फिर उसके बाद जो निकला वो था पिटबुल टेरियर। लोगों ने World War I के बाद, World War II के बाद इनको डॉग फाइटिंग में यूज़ करने लगे, अंडरग्राउंड फाइट्स होते थे, फिर उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इनको इंपोर्ट किया जाने लगा कि हाँ भाई फ़ाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब धीरे धीरे ये डॉग ब्रीड पॉपुलर होने लगी तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको काफ़ी बुरी तरीके से ब्रीड किया, मतलब कि एक छोटे से पिंजड़े में बंद करके रखना, वहीं पे वो बच्चे देते थे, वो बच्चे भी फिर उसी एनवायरनमेंट में बड़े होते थे, तो
काफ़ी ख़राब तरीके की ब्रीडिंग की वजह से पिटबुल डॉग्स के जो मेंटल क्या कहते हैं स्थिति है वो काफ़ी बेकार होने लग गई थी। और वो डॉग्स जब दूसरे ह्यूमंस पे या फिर दूसरे डॉग्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे अटैक करते थे तो फिर उसके बाद लोगों को डर लगने लग गया कि हाँ भाई ये पिटबुल नाम की ब्रीड है जो कि किसी को भी मार सकती है और ये इतनी बुरी तरीके से पकड़ती है कि हाँ भाई पूरे मांस वास नोच के ले जाए। तो वहाँ से धीरे 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 करके इन प्रॉपर ब्रीडिंग की वजह से फिर उसके बाद अच्छी तरीके से उनको ना पालने की वजह से उनकी ब्रीड में कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप होने लग गई जिसकी वजह से वो आज इस रेपुटेशन को झेल रहे हैं, एक बैड डॉग की रेपुटेशन को। लेकिन फॉर मी अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए पिटबुल एक खूंखार डॉग ब्रीड जो कि किसी को भी मार डाले वैसा डॉग ब्रीड नहीं है। हालांकि उनको ब्रीड इसी टाइप के पर्पस के लिए किया गया था लेकिन वो डॉग ब्रीड अगर हम संभालना जानते हो, अगर हम उसको अच्छी तरीके से पालना जानते हो तो पिटबुल टेरियर्स को भी हम एक अच्छा डॉग बना सकते हैं। मैं बताऊं तो मैंने अपने डॉग में बहुत से डॉग्स पाले हैं, अभी रीसेंट टाइम में मेरे घर पे 4 डॉग्स हैं, तो अभी भी मैं मानता हूँ कि मैं पिटबुल टेरियर को रखने के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी ऐसे डॉग लवर्स है जो अपने आप को कहते हैं वो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के बावजूद भी उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी वो समझते हैं कि मैं पिटबुल रख सकता हूँ और पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड को अपने घर में ले आते हैं और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते जो कि उनको ज़रूरत होती है। तो इस वजह से डॉग अटैक के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, पिटबुल अटैक के केसेस बढ़ने लग जाते हैं, न्यूज़ में सोशल मीडिया में हमें काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलने लग जाते हैं। तो जो भी इंसिडेंट हुआ ये लखनऊ में ये काफ़ी ख़राब इंसिडेंट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसको हमने समझने में या फिर उनके ओनर जो है उस पिटबुल डॉग के वो नहीं समझ पाए जिस वजह से ये अटैक वाली स्थिति आई। तो होपफुली रिसर्चर्स जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इस डॉग को लेके गए हैं जो, तो उनको कुछ पता चले कि इस डॉग का बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया था, क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उसने इतनी बुरी तरीके से अटैक कर दिया। तो आप लोग इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं दे पाता लेकिन मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो आपकी भी व्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आदित्य बिस्वास साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।